उत्तर प्रदेश के भदोही शहर में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 64 लोग झुलस गए। यह हादसा बीती रात करीब 9 बजे हुआ जब दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ आए लोग उस भीषण आग की चपेट में आ गए। पंजाबी सिंगर अल्फाज पर हमला करने वाला शख्स हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के पंचकुला से आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेदांत अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है। उनके इलाज के लिए मेडिकल पैनल बनाया गया है। वह 26 सितंबर से अस्पताल में भर्ती है। अखिलेश समेत परिवार के सभी लोग अस्पताल पहुंचे। हैदराबाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने रविवार को ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के इशारे पर शहर में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। कनाडा के ब्रॉकटन शहर के एक पार्क में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस पार्क को भगवद गीता पार्क के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे हेट क्राइम बताया है।